मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सीमेंट मिक्सर की मशीन से बांधकर एक 17 साल के लड़के मोहम्मद इम्तियाज मंसूरी को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल ये पूरा मामला MM वली स्थित एक साइट का है, जहाँ एक इमारत निर्माण का काम शुरू किया जा रहा है। घटना 31 मई की बताई जा रही है। मोहम्मद इम्तियाज मंसूरी पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर इस साइट पर कुछ लोगों ने उसे सीमेंट मिक्सर की मशीन से बांध दिया और बड़ी ही बेरहमी से उसकी पिटाई की। इस दौरान उसकी मां और उसके परिवार के लोगों को भी यहां बुलाया गया था। सीमेंट मिक्सर की मशीन से बांध कर पिटाई के बाद इम्तियाज की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मुंब्रा पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 जून को FIR दर्ज किया है। IPC की धारा 307, 331, 342, 141, 149, 504, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश जारी है। इस पूरे मामले में पीड़ित इम्तियाज मंसूरी की मां रेहाना मंसूरी ने क्या कुछ पूरे घटना पर बताया है, आपको सुनाते हैं। रेहाना मंसूरी उसके साथ में चोरी के इंजाम में लगा के इसको बांध के मारे। MM वली 2 नंबर गेट। अभी तो हालात ऐसी खराब ही है, अपन कोशिश कर रहे, इसको मदद नहीं मिला, कुछ हेल्प नहीं। तो सिर्फ कलवा जाने के लिए पेपर बना के मुझको दिए था और कोई सुनवाई। कोई उधर बोल रहे कि तुम चौकी मत जाओ, पूरा खर्चा हम देंगे, चौकी मत जाओ पूरा खर्चा देंगे, मगर आज तक नहीं दिया। ये तो सिर्फ बोल रहे कि चोरी किया, मैं चोरी क्या किया ये भी कुछ नाम बता नहीं रहे।